हम दोस्तों का शुक्रिया कि आप इस अवसर काल पे आप तशरीफ लाए हैं। तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और डिजिटल मीडिया जितने भी दोस्त हैं उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मुख्तसर यही है कि क्योंकि कुछ दिनों के बाद जीवी का भी बजट आने वाला है, उस हवाले से फेडरल बजट आ चुका है, उस हवाले से चंद कुछ गुजारिशात थी जिसके लिए आपको तकलीफ दी है। सबसे पहले तो गुज़श्ते दिनों हमारे लकी पर्वत में एक बड़ा सानिया हुआ जिसमें कुमरान साहब और हमारे चार पाँच फौजी जवान जो है वो शहीद हुए। उस सिलसिले में वज़ीर आज़म की हिदायत थी कि हम उन घरों में जाएँ। अमीर मकान साहब ने आज कर दो आना था, वज़ीर उमर कश्मीर ने फ्लाइट मौसम की वजह से वो नहीं आ सके हैं, शायद कल आ जाएँ। और चल अगले दो दिनों में स्कर्दू के अंदर दो शोहरा हैं, गिलगित इधर के अंदर दो शोहरा हैं, उनके घरों में हम हाजिरी देंगे। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उन्होंने कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। कोई हफ्ते में एक वाक्य तो होता है बदकिस्मती के साथ, और ये जो दहशतगर्दी है जिसको 2013 से 2018 के दरमियान मुकम्मल तौर पर इस पर काबू पाया गया था, उसके बाद से बदकिस्मती से वो पॉलिसीज में तसलसल ना रहने की वजह से सैकड़ों ऑफिसर, सैकड़ों जवान, सैकड़ों सिविलियन लोग जो इस दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। तो कुछ फेडरल बजट के हवाले से हम आपसे गुजारिश करेंगे। आपने देखा कि इन हालात में कोई आइडियल इस बजट को तो नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह की हमारी मुल्क की सूरत हाल, माशी सूरत हाल है, इसमें हम सब यही कुछ जीवी के हवाले से कुछ शर्त अच्छी है, अच्छी जो है वो मैं समझता हूँ कि कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं। और मुलाजमीन के हवाले से आप देखते हैं तो 25% जो है वो तनख्वाहों में इजाफा, और उसके अलावा जो 16 से 1600 पर जो है वो 22% के 20 से 22% के दरमियान प्रपोज हुआ है। और तीसरा जो है वो BISP का जो हमारा जो फंड्स है उसमें जो टोटल बेनिफिशरीज थे वो कोई 90 लाख के करीब थे, उसको बढ़ा के जो है वो 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ तक ले जाने की बात है। मिसाल के तौर पर GB के अंदर 70,000 फैमिलीज BISP के जो है वो बेनिफिशरीज थी, तो 2 से 2.5 लाख लोग बनते हैं एक फैमिली के अंदर मिला के। तो अब ये लगभग 593 अरब रुपया BISP के थ्रू पावर्टी से जो मुतासर हैं, गुर्बत से, और उन तबकात को बरह रास्त उनकी फंडिंग की जाएगी। और ये पहले GB के 70,000 फैमिलीज थी, तो अब लगता है कि हमें इंसान तला ने डिमांड की है इसको 1.25 लाख फैमिलीज तक लाया जाए। और दूसरा जो है वो PSDP के अंदर हमारे 3 बड़े अहम प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूँ एजुकेशन के हवाले से जो भी आज तक GB के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं। पहला क्रेडिट कॉलेज कर्दू में 92 में नवाज शरीफ साहब ने बनाया, सेकेंड क्रेडिट कॉलेज भी अल्हम्दुलिल्लाह ज्यामर के अंदर हमने शुरू किया था, आज तक उस पर शिफ्ट नहीं हो सके। और पहली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग ने बनाया, जो इस वक्त आपकी फ़ाल है, चल रही है। पहला मेडिकल कॉलेज भी नवाज शरीफ साहब जो है वो देखे गए हैं, वो अलग बात है कि गिलगित में सूबाई हुकूमत अभी तक उसको फुटबॉल बना के उसको पैतृक मील तक नहीं पहुँचा सकी। 3 से 3.5 बिलियन रुपया हमारे पास अप्रूव मौजूद है। उसके अलावा GB के जो है वो मेडिकल के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर टोटल जो है 32-33 सीटें होती थी, वो मेडिकल में इस वक्त हमारी 84 हो चुकी हैं, और इंजीनियरिंग में हमारी तकरीबन 58 सीटें हो चुकी हैं। पंजाब के अंदर किसी सूबे ने एक सीट नहीं बढ़ाई, पंजाब ने दिल खोल के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मदद की है। इसी तरह जो दानी स्कूल्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, से 20 तलबा हर साल मेरिट पर उनके सिलेक्शन होती है, 20 तलबा हर साल पंजाब के दानी स्कूलों में, और उनका खाना पीना रहना सहना सब कुछ बोर्डिंग भी पंजाब गवर्नमेंट उठाती है। तो अब तक तकरीबन 190 बच्चे गिलगित बल्तिस्तान से आपके दानी स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए मेरिट पे उनकी नॉमिनेशन होकर कुछ लोग आगे जा चुके हैं, कुछ अभी उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ज़रूरत महसूस की गई कि हमने कि हमारे GB के अंदर भी दानी स्कूल हों ताकि हमारे बच्चों को यहाँ पे भी अच्छे स्कूल मैसर आ सके। तो नवाज शरीफ साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के तीनों रीजन्स के अंदर 3 दानी स्कूल जो है वो अप्रूव हो गए 7.5 अरब रुपए की लागत से।
इन दोनों की फिजिबिलिटी चल रही है कि तीनों रीजन में किस डिस्ट्रिक्ट में ये स्कूल बनाया जाए। जमीन उसमें जो है वो गवर्नमेंट ने फ्राहम करनी है, बाकी उसका जो है वो इदारे जाती खराज सारे जो है फेडरल गवर्नमेंट ने उठाने हैं। ये बहुत बड़ा कदम, तीन रीजन के अंदर 7 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट, तीन बड़े दानी स्कूल जो है वो बोर्डिंग स्कूल होते हैं। जीबी में इस वक्त कोई बोर्डिंग स्कूल नहीं है सिवाय ये आदर खान हायर सेकेंडरी के अलावा, कोई बोर्डिंग स्कूल आपके पास नहीं है, या कैडेट कॉलेज है दो, एक दो दो कैडेट कॉलेज है। तो ये बोर्डिंग स्कूल हो गए, गिलगित में होते हैं, जामर में होगा, एक्सकर्दू में होगा, यानी तीनों रीजन के अंदर तीन स्कूल आ जाएंगे। और दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो हेल्थ आता है, हमारे जामर के अंदर 400 बेड का हॉस्पिटल जो है वो तकरीबन 5.5 बिलियन रुपए से है। पिछले साल PSDP में फिजिबिलिटी डाली गई थी, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट बाजाबता तौर पर रिफ्लेक्ट हो चुका है। जामर इसलिए कि उसमें कोस्टलाइन भी आ रहे हैं, जामर बाशा डैम भी है, रोड पे एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे हादसा होते हैं, लिहाजा वहाँ पे एक बेहतरीन जो है वो जो रीजनल हॉस्पिटल है उसके अलावा एक हॉस्पिटल की जरूरत महसूस की गई थी, जो शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नेक्स्ट ईयर के लिए फंडिंग उसमें की जा रही है। और उसके साथ साथ शहीद सैफ रहमान हॉस्पिटल, जो आपको मालूम है कि पंजाब गवर्नमेंट की मदद से ये 1 बिलियन रुपये पंजाब गवर्नमेंट ने अपने खजाने से दिए थे, और वो शहीद सैफ रहमान हॉस्पिटल आज आपकी टीचिंग हॉस्पिटल कह सकता है, और बाजाबता तौर पर उसका एक ब्लॉक के ऊपर उसका काम शुरू और फिजिकली काम हो रहा है। लेकिन साथ साथ उसका ब्लॉक 2 था, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, उसके अलावा ऑपरेशनल ब्लॉक था, उसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फंडिंग करनी थी, उन्होंने नहीं की। गुज़श्ते 4 साल में हमने बार बार इनको याद दिलाया कि ये मुआहदा था लिहाजा आप करें, लेकिन उन्होंने फंडिंग नहीं की। तो अब हमने भी उन्होंने नहीं की। गुज़श्ते 4 साल में हमने बार बार इनको याद दिलाया कि ये मुआहदा था लिहाजा आप करें, लेकिन उन्होंने फंडिंग नहीं की। तो अब हमने पिछले साल हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को गुजारिश की थी, अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 अरब रुपये का शहीद सैफ रहमान टीचिंग हॉस्पिटल का फेज 2 नेक्स्ट PSDP के लिए शामिल होने जा रहा है। ये भी हेल्थ का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और उसके साथ साथ हमारे जो न्यू टेक के अंदर हमारे जो ट्रेडिंग फैसिलिटीज हैं उसको इन्हांस किया जा रहा है। तकरीबन 20,000 बच्चों को नेक्स्ट ईयर में गिलगित बल्तिस्तान में AI से लेके आपकी टेक्निकल एजुकेशन के लिए बेस्ट इदारों के अंदर उनको स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। तकरीबन 20,000 लोगों का टारगेट है नेक्स्ट ईयर। टोटल जो है वो न्यू टेक के थ्रू जो तालीम दी जाएगी, हुनर सिखाया जाएगा। हुनर से मुराद वो हुनर नहीं है कि बस चुप दो गए हुनर में, इसमें आजकल हमने कहा कि सबको ध्यान उस तरफ AI की तरफ लेके जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बच्चों को ट्रेन किया जाए। 2 लाख अभी चाइना में जो मुआहदा हुआ पाकिस्तान के लोगों को ट्रेन करेंगे हमारी यूथ को, चाइनीज गवर्नमेंट और हवावे कंपनी करेगी, उसमें इंशाल्लाह ताला हम तवक्को रखते हैं कि हम अपनी डिमांड अपना हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान के लिए ले पाएंगे। तो लिहाजा इसके अलावा फिर अब आते हैं तो GB के बजट के लिए आपको देखते हैं तो पिछले साल की निस्बत जो इन्हांसमेंट हुई है, रेगुलर बजट जो है पिछले साल हमारे पास तकरीबन कोई 52-53 बिलियन के करीब था, इस साल 68 बिलियन रुपए जो है पैसा जो है मुख्तस किया गया है। और आपका जो एनुअल डेवलपमेंट जिसको ब्लॉक एलोकेशन कहते हैं, जो प्रोविंशियल असेंबली से जिसने डेवलपमेंट के लिए खर्च करना है, वो 21 अरब रुपए पर क्रॉस हुए हैं, जिसमें 2 अरब रुपए हमारे पुराने प्रोजेक्ट जो इफाद का उसकी एलोकेशन भी इसके अंदर शामिल है। तीसरा जो है वो 12 अरब रुपए फेडरल PSDP के जो प्रोजेक्ट GB के अंदर चल रहे हैं, फेडरल PSDP के जो प्रोजेक्ट जो GB के अंदर चल रहे हैं उनकी एलोकेशन है साल की एलोकेशन 12 अरब है। हमने इसको डिमांड किया है इसको बढ़ा के 14 अरब कर दें, जो उस दिन हमारी जो राणा सनाउल्लाह साहब की सरबराही में कमेटी बनी है उसके हवाले से मीटिंग हुई, जिसमें हमने ये गुजारिश की ADP का 21 से 25 कर दें, ये दरख्वास्त हमने की है। इसलिए उसके साथ कुछ मशरूत की है, मशरूत यह है कि आपकी जो 21 अरब रुपए की जो ADP है वो किन मंसूबों पे खर्च हो, 140-150 अरब का थ्रो फॉरवर्ड बनाया गया गिलगित बल्तिस्तान का टोटल ADP का हुजूम, बजट टोटल है 15 अरब, पिछले साल था जनाब 19 अरब था, तो उसमें से 2 अरब रुपया इफाद निकाल दो, 1 बिलियन रुपया KFW वाला निकाल दो, तो 16 अरब तकसीम है 150 करते हैं, तो ये 8 सालों में भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकते जो इन्होंने शुरू किए।
एक तो पीटीआई की जब गवर्नमेंट बनी गिलगित बल्तिस्तान में नाम निहाद सिलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने आते ही 14 अरब के जीबी के गवर्नमेंट के जो हमारे मंसूबे थे उनको निकाल दिया। तो अब निकाल दिया तो थ्रो फॉरवर्ड कम होना चाहिए था। हम 68 बिलियन पे छोड़ के गए थ्रो फॉरवर्ड। आज आपका टोटल एडीपी का जो थ्रो फॉरवर्ड है वो 150 अरब रुपए का है। ये अलार्मिंग है। तो इसके लिए कुछ तजावीज है जो आपके सामने हम रखेंगे। और इसके साथ साथ इसलिए उसकी हम थोड़ा सा आपको अर्ज कर दें कि जो बजट था उस पर तनख्वाहों का बजट जो था वो 41 अरब रुपए था। 41 अरब रुपए तनख्वाह का था। और अब जमीन भी मिला लें तो ये 46 बनता है। और 32 अरब रुपए जो है ऑपरेशनल इखराजात थे गिलगित बल्तिस्तान के, जो उन्होंने खुद एस्टिमेट किए हैं जो प्रोविंशियल बजट के वजह से। हमारा सवाल यही है कि हम 4 नए जिले भी बना दिए उसी 34 अरब रुपए में रहते हुए। हमने गिलगित सिकरदू डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनाई उसी 34 अरब रुपए में रहते हुए। हमने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की सड़कें जो पेवर मशीनों से मेटल किया उसी 34 अरब रुपए में रहते हुए। हमने 1-10 जो है वो स्कूलों में बुक्स फ्री की। हमने 22 मॉडल स्कूल गिलगित बल्तिस्तान में बनाए जीबी के बजट से ही। उसी 34 अरब रुपए के अंदर हमने 1122 रेस्क्यू को तमाम 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में हम दिलाने में कामयाब हुए। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे बने। 200 से ज्यादा हमने ब्रिजेस गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो डेवलपमेंट साइट से बने। तो अब हम ये पूछते हैं कि अब ये 34 से चले, ये हर साल 10% 12% तनख्वाहें बढ़ी तो ये बनना चाहिए था आपकी तनख्वाहों का बजट। तो जनाब ठीक है, समझ आता है 41 अरब रुपए हो गया। हम 4 से 5 अरब रुपए ऑपरेशनल बजट से गिलगित बल्तिस्तान चलाते रहे। और 4 एंडोमेंट फंड्स भी कायम किए, वो आपके सामने। हेल्थ एंडोमेंट फंड जो आज चीफ मिनिस्टर हेल्थ एंडोमेंट फंड है जिससे मरीजों का इलाज हो रहा है। आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एंडोमेंट फंड जो 1 अरब रुपए का हम कैम करके गए, उसके बाद 1 रुपया इजाफा नहीं है उसके अंदर। उसके अलावा आपका जो एजुकेशन का एंडोमेंट फंड 75 करोड़ रुपए का हम बना के गए, उसमें 1 रुपए का इजाफा नहीं किया गया। उसके अलावा हमने जो सोशल वेलफेयर का एक एंडोमेंट फंड GBRSB के एंडोमेंट फंड और कराकुरम बैंक के अंदर 50 करोड़ रुपए का हमने शेयर खरीदे। अब हम ये पूछते हैं कि 34 अरब में तो ये सारे काम हो रहे थे रेगुलर बजट में, अब ये 68 हो रहा है तो इसकी क्या प्लानिंग है? 32 अरब रुपए आप खर्च कर रहे हैं, किधर खर्च कर रहे हैं? कौन सा नया इदारा बनाया? हमारा सवाल ये है कि हमारे जवाब में जो तर्जुमानों के मुंह खोल के सामने न लाए जाए, हमारे सवालों के जवाब में आप बताएं। गुज़श्ता ये हुकूमत तसलसल है, पिछली हुकूमत की ही अक्सरियत वही वजीर है, ठीक है। तो लिहाजा जो हेल्थ का वजीर पहले था आज भी वही है, जो पहले वर्ष का वजीर था आज भी वही बन रहा है। तो लिहाजा इनको जवाब इस तरह से देना चाहिए कि हमने इन 4 साल में ये नए प्रोजेक्ट शुरू किए, ये हमने नए डिपार्टमेंट्स बनाए, ये हमने नए इनिशिएटिव्स बनाए, ये हमने पब्लिक सर्विस के लिए जो है वो इजाफी काम किए। बताए वो बताएं। हम तनकीद बराए तनकीद के कायल नहीं है, लिहाजा हम समझते हैं कि ये 32 अरब रुपए, अब इस साल आपके पास 68 बिलियन रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने आपको दिए, भरपूर रकम हम शुक्रिया अदा करते हैं फेडरल गवर्नमेंट का। अब हम सबका काम ये है कि इस पे नजर रखना, क्या ये गाड़ियों के फ्यूल में उड़ाया जाएगा, क्या ये मावन खसूसी टेक्नोग्रेड और जो स्पेशल पर्सन बनाए जा रहे हैं उनके ऊपर उड़ाया जाएगा, क्या नीचे से आने वाले मेहमानों के खातिर तवाजे के लिए पैसा उड़ाया जाएगा, क्या ये पैसा जो है वो इलाज मुआवजे के नाम पे जो रीइंबर्समेंट के नाम पे उड़ाया जाएगा, कहाँ पे उड़ाया जाएगा, क्या प्लान है इस बजट में? लिहाजा अपना बजट पब्लिक करें। लिहाजा हम समझते हैं इस हुकूमत के चाहते हुए न चाहते हुए हम एक इत्यादि हैं, हम मानते हैं इस बात को, हम जमहूरियत के कायल हैं, तसलसल के कायल हैं। लिहाजा चंद गुजारिशात, हम तनकीद बराए तनकीद के कायल नहीं हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा काम जो भी करेंगे हम उसके तायद करने के लिए कह रहे हैं। गंदुम में आपको 16 बिलियन रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने मुख्तस किया, यानी आपको नेक्स्ट ईयर गंदुम की कोई टेंशन नहीं है। ऑलरेडी नेशनल लेवल पे गंदुम की कीमतें गिर चुकी हैं, आप 16 अरब रुपए से वाफर गंदुम गिलगित बल्तिस्तान में ला के बराबरी की बुनियाद पर तकसीम करेंगे। मेरिट पे तो इंशाल्लाह किसी को कोई इशू नहीं हो सकता है कि आप 40 किलो का थैला दे दें, आप 8.5 किलो पर बंदा जो है वो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक फर्द के लिए कम से कम 9.5 केजी
مقرر ہونا چاہیے. جو چار پہ آیا تھا دو پہ آیا تھا اب ساڑھے سات پہ آیا. ہم چاہتے ہیں یہ 9.5 kg ملے اور تھرو بایو میٹرک کے تھرو ملے. بایو میٹرک سے مراد یہی ہے کہ ایک بندہ گلگت میں رہتا ہے وہ کسی اور ضلع میں بھی اس کی رہائش ہے وہاں بھی لے یہاں بھی لے, یہ زیادتی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم حامی ہیں اس بایو میٹرک سسٹم کے, ہم اس کی مخالفت نہیں کریں. ہاں لیکن بایو میٹرک سسٹم میں بھی کسی قسم کی سفارش نہیں چلنی چاہیے. کسی کو جناب صاحب حیثیت ہے اس کو بایو میٹرک میں مت لاؤ, غریب کو جو ہے بایو میٹرک میں لا کے جناب بند کر دینا یہ مناسب نہیں ہے. لہٰذا بایو میٹرک سسٹم گندم کے حوالے سے اکراس دی بورڈ پورے جی بی کے اندر خرچ ہونا چاہیے. اب اسی میں ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس اچھا خاصا نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں کوشن موجود ہے جو گلگت بلتستان کی گڈ گورننس کے لیے آپ کے پاس بھرپور کوشن ہے. ہماری تجویز یہی ہوگی اس میں سے چند پیسے بچا کے آپ چیف منسٹر ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ جو ہے وہ 50-55 crore روپے جو ہم نے رکھے تھے اس میں 1 rupee اضافہ نہیں کیا گیا, جبکہ آج مریضوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. کئی مریض جو ہے ان کو علاج کے لیے پیسے نہیں مل پا رہے ہیں فنڈز کی کمی کی وجہ سے. لہٰذا 50 crore روپے فوری طور پر گلگت بلتستان ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ کے اندر پارک کیے جائیں اور وہ بینک میں انویسٹ ہوں گے. اب 50 crore کے منافع سے اس وقت آپ مریضوں کو 700-800 مریضوں کو ڈیل کر رہے ہیں. آپ کا جب 1 billion روپے ہو جائے گا تو اس کا منافع آئے گا تقریباً آپ کے پاس 25-30 crore روپے. اوریجنل رقم آپ کی اپنی جگہ میں رہے گی. یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے, یہ ناممکن نہیں ممکن ہے, ہم نے کر دکھایا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے جی ریسکیو 1122 ہے جو آپ کے باقی اضلاع کے اندر آپریشن اس کے متاثر ہوئے ہیں بعض اضلاع کے اندر, اس کی بھرپور جو ہے اس کے لیے ایک ریوالونگ فنڈ قائم کیا جائے تاکہ اس کے جو آپریشنل اخراجات ہیں جیسے آج آپ دیکھ لیں جو آپ کا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے وہ گورنمنٹ سے روپیہ کم ہی لیتا ہے, صرف تنخواہ کے بعد میں لیتا ہے. ہم نے 1 arab کا ان کا انڈومنٹ فنڈ دیا, اس کا سالانہ منافع آ رہا ہے 20-25 crore روپیہ. وہ 20-25 crore روپے سے ہی ان کا سال کے اندر کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ کا اوریجنل سر اپنی جگہ پہ. اسی طرح اگر ریسکیو 1122 کے اندر اگر آپ کوئی 50-60 crore کے انڈومنٹ فنڈ بنا دیتے ہیں اس فنڈ کو بینک میں انویسٹ کرتے ہیں اس کے منافع سے جو آپریشنل اخراجات ہیں ریسکیو کے وہ اگر آپ ایڈریس کرتے ہیں تو یہ آسانی سے ممکن ہے. دوسرے نمبر پہ ہے آپ کی ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ پورے گلگت بلتستان کے اندر 10 اضلاع کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. ابھی اس کے جو ہے کھرمنگ شگر اور اس کی مشینری بھی آ چکی ہے, لہٰذا ان اضلاع کے لیے جو فنڈز درکار ہیں ان کی طرح جو ہے بجٹ میں شامل نہیں ہوتی بڑھانے کے. جی جی یہ کمپنی ہے بھائی, ٹھیک ہے کمپنی ہے لیکن انسان وہاں بھی ہے. آپ اگر ان کی تنخواہ بر وقت نہیں بڑھا سکتے ہیں تو ان کو دھرنے دینے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ آج آپ کے پاس بھرپور کوشن ہے, اگر آپ ان کی 25% تنخواہ بڑھاتے ہیں تو ان کو آپ کو 5 crore روپے مزید دینے کو بڑی رقم نہیں دینی ہے. تو لہٰذا ان کو روڈ پہ آنے سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ریسکیو 1122 پلس آپ کی جو ہے وہ تو آ جائے گا سرکاری ملازمین کے کھاتے میں آتی ہے, ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو بھی 25% تنخواہوں میں اضافہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ 8-10-50-5-10-20 crore روپے ہر سال ڈالتے جائیں, ایک فنڈ قائم کریں. اس فنڈ سے اس کے جو مزید اخراجات آتے ہیں آپریشنل وہ اخراجات جو ہے ان کو کہا جائے گورنمنٹ مزید پیسے نہیں دے گی, اس فنڈ کے ذریعے اور اپنی آمدن کے ذریعے آپ اس ادارے کو چلیں, یہ بالکل ممکن بات ہے. تیسری جو ہے وہ سب سے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری اہمیت کا حامل ہے, وہ آپ کے صوبے کے اندر دو ادارے ہم نے یوتھ امپلائمنٹ کے حوالے سے جو ہم نے متعارف کیے تھے. ایک چیف منسٹر انٹرسٹ فری لون اسکیم تھا جو اخوت کے تھرو ہم نے 80 crore روپے ان کو دیا ہوا ہے, اس کے بعد 1 rupee اس میں اضافہ نہیں ہوا, لہٰذا اب اس کی سیلنگ بڑھانے کی ضرورت ہے. جی بی آر ایس بی کو ہم نے یہ ٹاسک دیا کہ ان کے اندر بھی مائکرو فائنانس بینک بنایا, آج ان کی بھی 100% ریکوری ہے. تو لہٰذا آپ ان دونوں اداروں میں سے جس کو بھی چننے کے بعد ان کو کہیں کہ 2.5 lakh rupees تک سود فری لون جو ہے چیف منسٹر انڈومنٹ فنڈ کے تھرو آپ اگر اس میں 1 billion rupees ڈالتے ہیں تو 1 billion آلریڈی ہے, اس کو بائی سرکولیشن اگر آپ اس کو نکالتے ہیں ہر وقت تو 1 lakh لوگوں کو ود ان سال میں 2.5-3 lakh rupees قرضہ ہنسنا آپ دے سکتے ہیں بغیر کسی مورگیج کے, بغیر کسی جو ہے وہ لمبے چوڑے دستاویزات کے. تاکہ یہ نوجوان ابھی چیری کا سیزن آ گیا چائنا میں, الحمدللہ شہباز شریف صاحب کی کوششوں سے ہماری پارٹی کی کوششوں سے اس وقت جی بی سے چیری چائنا جانی شروع ہو گئی,
तो एक बहुत बड़ा इनकम का जरिया है। अगर हमारे नौजवानों को 2-2.5 लाख रुपए कर्जा मिलेगा बिलासुद, तो अपना अगर 10 चेरी के दरख्त भी वो पालते हैं तो विदिन साल में 2-3 साल बाद उनकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो देखिए बड़ा सोच से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे स्पेशल पर्सन के लिए हमने एक एंडोमेंट फंड बनाया था। हमें खदशा था कि टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, वाकई बड़ी तारीफ करते हैं, आप मीडिया वाले दुनिया को सुनाते हैं, इस खत्ते में कोई मांगने वाला नहीं है, ऐसे ही नहीं, हमारी बड़ी तारीफ होती। अब हमारी पॉपुलेशन 5 लाख की, 6 लाख की, आज 20 लाख तक पहुंच गई। अब खतरा ये है कि अगर हमने प्लानिंग नहीं की, रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल नहीं किया गुड गवर्नेंस के लिए, तो बहुत से सफेदपोश लोग शायद कल सड़कों पे उसी तरह नजर आएंगे जिस तरह शहरों में नजर आते हैं। लिहाजा हमने इस चेहरे को बचाना है, अपनी साख को बचाना है, इसके लिए जो हमने स्पेशल इनिशिएटिव लिया था, स्पेशल पर्सन का डेटा कलेक्ट किया था, उनके कार्ड्स बनने शुरू हो गए थे, उनको कर्जे हस्ता हमने देना शुरू किया था जो कारोबार करने के काबिल थे, और उसके अलावा जो कारोबार के काबिल नहीं थे, घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, कि घर में 4 माजूर है, तो वफी अम्वाल हक्कुल लिस्साइल वल महरूम, कुरान ने फरमाया हुक्म है कि तुम्हारे माल में साइल और महरूम लोगों का हक है, ये हक है उनका। एक ही घर में 4 माजूर है, वो किस तरीके से उनको पाल रहे, किस तरह मुमकिन है? लिहाजा हमने उनका 5,000 से 3,000 रुपए मंथली उनके घरों में पहुंचा के पैसे देते थे, वो बंद कर दिए गए, और वो लोग खतरा है किसी भी वक्त वापस वो मजदूर लोग सड़कों पे आ जाए। आपके लिए आसान है 20-25 करोड़ रुपए रखने, आप उन लोगों के वजीफे जारी रखें जहां पे एक एक ऑफिसर, एक एक मिनिस्टर जो है वो एक एक दिन के 50,000 TADA ले सकता है, तो आप महीने में एक स्पेशल पर्सन को 5,000 उसकी दस्तक में उसकी दहलीज पे पहुंचा के नहीं दे सकते ताकि उसका छोटा मोटा खर्चा पूरा हो सके। लिहाजा इसका फेज टू हम डिमांड करते हैं, जो हमारे जो स्पेशल पर्सन का हमारे उस वक्त हमारे साथ एडवाइजर रहे, मावन खसूसी रहे हमारे, जो अमजद नदीम साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, आज भी वो फाल है, मुतारिक है, काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी के नहीं है, एक सोशल एक्टिविस्ट है। लिहाजा उनकी तरफ से जो भी प्रपोजल्स हैं और साथियों के साथ प्रपोजल मिला के कम्प्लीट डेटा इस मुल्क के GB के अंदर, शायद हम पूरा नहीं ले पाए, कोरोना आ गया था, हमारे पास कोई आधे से ज्यादा डेटा मौजूद था, 75% 25% रह गया था, उस 25% डेटे को हासिल किया जाए और इनके लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो निकाला जाए। इसके लिए अगर 1% तरखादारों पर टैक्स लगाना पड़े तो हम उसके बिहामी हैं, उसके ऊपर AGPR से करोड़ों रुपए जुड़ रहा होता है, उसके ऊपर 1% लगा के भी अगर इन लोगों की मदद करनी है तो करनी पड़ेगी, हमें उसकी तरफ मोटिवेट करना पड़ेगा। एक और प्रोजेक्ट था, दुख होता है जो प्रोजेक्ट हमारे निशाना बने, हमारी वजह से निशाना बने, शेर खामोश एक प्रोजेक्ट था। हम बैरून मुल्क जाते हैं, जिनको हम गैर मुस्लिम कहते हैं उनके कब्रिस्तानों में जाते हैं तो वो सरगाहें बनी हुई है। हमारे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कब्रिस्तानों को साफ सुथरा रखो और हफ्ते में एक दफा जाया करो। आज यहाँ पे कब्रिस्तानों के आसपास जाने की गुंजाइश नहीं रही, इसलिए कि आपने लावारिस छोड़ा हुआ, जहां कम्युनिटी ने कंट्रोल किया किया, जहां नहीं किया नहीं किया। हमने एक शेर खामोशन का प्रोजेक्ट शुरू किया था, बहुत से प्रोजेक्ट जो है आप देख लें, इधर आपका सबसे बड़ा कब्रिस्तान था, इधर वाला बरमस वाला अंतरी वाला, काफी सारे कब्रिस्तानों की चारदीवारी हो गई, कुछ बेहतरी आ गई, उस प्रोजेक्ट का फेज टू जो है इन्होंने काट दिया। अब ये हुकूमत ही सारे शेर खामोशन वाली है, देखें तो इनको तो चाहिए था कि फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते, लिहाजा ये इंसानी मसला है, ये इस्लामी दीनी मसला है, तहजीबी मसला है, आप उस प्रोजेक्ट का फेज टू लॉन्च करें, अपने तौर पर आइडेंटिफाई करें। हम नहीं कह रहे इन कब्रिस्तानों की चारदीवारी करो, इसी करो, जो भी आप करते हैं, जितने भी कब्रिस्तान है, कल मैं स्कर्दू में था, वहां 3 जगहों मैंने देखा हुआ, कुत्ते बिल्लियां फिर रहे हैं कब्रिस्तानों के ऊपर, दुख हुआ था। प्रोजेक्ट था, उन्होंने हमें कहा कश्मूरा में, कुमरा में, गंबा में, वहां लोगों ने हमें दिखाया कि आपका ये प्रोजेक्ट था, 2 लाख मिले, अगले किस्त नहीं मिली, ऐसे बंद कर दिए गए। तो लिहाजा इस शेर खामोशा प्रोजेक्ट की अहमियत है, इफादियत है, दीनी इस्लामी मिली हर लिहाज से, लिहाजा इस प्रोजेक्ट पे फंडिंग की जाए, और जिन इलाकों में कब्रिस्तानों की चारदीवारी नहीं है उसका तकद्दस, उसका एहतराम बहाल करने के लिए 4 पैसे लगाए जाए, इंशाअल्लाह ताला दोनों जहानों में इसका फायदा होगा, और कोई भी बाहर से वहां दुआ करने जाएगा उसकी सफाई देखेगा, उसकी सुथराई देखेगा, और जिन इलाकों में कब्रिस्तानों की चारदीवारी नहीं है उसका तकद्दस, उसका एहतराम बहाल करने के लिए 4 पैसे लगाए जाए, इंशाअल्लाह ताला
دونوں جہانوں میں اس کا فائدہ ہوگا, اور کوئی بھی باہر سے وہاں دعا کرنے جائے گا, اس کی صفائی دیکھے گا, اس کی ستھرائی دیکھے گا, وہ مطمئن ہوگا. اور ہاں جی, اس کے علاوہ ہم نے ایک ورلڈ ایجوکیشن فورم میں برٹش کونسل کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا 2016. اس معاہدے کے تحت جی بی ایجوکیشن پالیسی بنی تھی, جی بی گورنمنٹ اور برٹش کونسل کے درمیان جوائنٹ اتفاق سے. اس میں یہی طے تھا کہ 2030 تک آپ کے جی بی کے جتنے بھی ہائی اسکولس ہیں ان سب کو ماڈل اسکول بنایا جائے. ہم نے اس کے تحت 18 اسکول ہم ماڈل کرنے میں کامیاب ہوئے, اور اس کے بعد 2020 میں ان نائلوں کو بٹھا دیا گیا گلگت بلتستان میں, وہ بھی ہمارے اوپر ٹارگٹ کر کے اس منصوبے کو بند کر دیا گیا. اگر وہ جاری رہتا تو آج تقریباً 2024 تک 100 اسکول ماڈل ہو چکے ہوتے ہیں. ہائی اسکول آپ کے 200-250 ٹوٹل آپ کا ہائی اسکول ہے ماڈل. آپ ان کو اگر ہر اسکول کو 3 کروڑ لگاتے ہیں, وہ اسکول ماڈل اسکول بنتا ہے. آج جو اسکول ہم ماڈل کر کے گئے ہیں, وہاں پہ داخلوں کے لیے کورٹ کچہریوں میں لوگ گئے ہیں. سرکاری اسکولوں کو چھوڑ کے بچوں کو وہاں داخل کیا جا رہا ہے, کیونکہ پورا ایک اسٹرکچر بنایا گیا ہے, فری ہے, بہترین ایجوکیشن ہے. یعنی ہمیں یقین کریں, آج کل ایک سفارش آتی ہے ہمارے جو ہے وہ بچوں کے داخلے دلاؤ جی, وہ ماڈل اسکول میں داخلے دلاؤ. تو لہٰذا اس 2028 تک کی جو ایجوکیشن اسٹریٹجی بنی تھی, اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ رہے سارے پیسے ڈال دو, 40-50 کروڑ ڈائیورٹ کرو, ہر حلقے میں ایک اسکول ٹارگیٹ کرو, اور آپ جو ہے وہ اپنے حصے کا کام جاری رکھو, تاکہ یہ نسلوں کی انویسٹمنٹ ہے, یہ کسی ایک پارٹی کی انویسٹمنٹ نہیں ہے. ہم سے جو کچھ ہو سکے ہم کر سکیں. اگلا بھی آپ سے گزارش یہ ہے, اس بجٹ کا حصہ بنا دیا جائے, جو ایجوکیشن پالیسی 2016 تھی 2028 تک جو بنی ہوئی تھی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی کچھ انویسٹمنٹ اس طرف ہونی چاہیے. آئے جی, آپ کے جو ہے آخر میں جو ہم سب اس وقت بھگت رہے ہیں, اس وقت آپ کے جو پی ایچ ڈی پی کے منصوبے ہیں اس کے لیے 12 بلین روپیہ مختص کیے گئے. اب یہ منصوبے کون سے ہیں؟ 99% الحمدللہ یہ وہ منصوبے ہیں جو پی ایم ایل این کے 5 سالہ دور نواز شریف صاحب کے دیے ہوئے منصوبے ہیں, اور ان منصوبوں کی ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے, جو جنریشن کی کیپیسٹی ہے, وہ 184 میگا واٹ ہے. اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ میں ہم گرمیاں 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے کی یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے, 5-6 گھنٹے کی اسکردو میں لوڈ شیڈنگ. لہٰذا 184 میگا واٹ کے یہ جو پاور پروجیکٹ ہیں, جس کے لیے اختیار بھی جی بی میں شفٹ ہو چکا ہے, فنڈس بھی جی بی میں شفٹ ہو چکے ہیں, وسائل اور استعمال بھی آپ کے ذمہ ہے, ابھی کیا آپ لوگوں نے ٹارگیٹ کیا ہے؟ کوئی ایک پروجیکٹ آپ کمپلیٹ نہیں کر سکے. 16 میگا واٹ نل تر فیز 3 40% کام کر کے چلے گئے تھے, آج چوتھا سال ہے, وہ آپ کمیشن نہیں کر سکے. یعنی اگر آپ کہیں تو میں ان کا نام لے لیتا ہوں, یعنی اس میں جو ہے 20 میگا واٹ ہینزل ہے, 54 میگا واٹ عطاوات ہے, 26 میگا واٹ شگرتن ہے, 28 میگا واٹ واڑی ہے, 36 میگا واٹ ہرپو ہے, 4 میگا واٹ تھک ہے, 16 میگا واٹ نل تر فیز 3 ہے. یہ 184 میگا واٹ کے, ان میں سے اگر کوئی ایک بھی منصوبہ اگر اس فتنہ سرکار عمران کے زمانے کا ہے, تو اگر وہ ثبوت کر دیں تو میں سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ سارے منصوبے نواز شریف صاحب کے, مسلم لیگ نون کے دیے. اس کے علاوہ جو لوکل اے ڈی پی سے ہمارے جو منصوبے ہیں, لگ بھگ یہ 14 میگا واٹ کی گلگت ڈسٹرکٹ کے اندر ہیں. گلگت ڈسٹرکٹ میں صوبے کی بات نہیں کر رہا, گلگت ڈسٹرکٹ کے اندر 14 میگا واٹ کے منصوبے ہیں, جو ہر سال کہتے ہیں یہ اس سال اگست میں دے رہی ہے. ابھی تک میری معلومات کے مطابق 3 پروجیکٹ کی ایل سی نہیں کھلی ہوئی ہے, تو اس سال سردیوں میں بھی مشکل ہوگا. لہذا ہر صورت اس سال سردیوں کے حوالے سے آپ یہ جو 16 نل تر فیز 3 اور یہ 14 میگا واٹ کے منصوبے, جس میں 7 میگا واٹ کرے گا, 3 میگا واٹ نومل بٹوٹ, 3 میگا واٹ بگروٹ, 3.6 میگا واٹ بگروٹ, اور 580 کلو واٹ جو ہے وہ چموگڑ والا, یہ ملایا تو آپ کے 14 اور 16 کتنے ہو گئے؟ تقریباً یہ 30 میگا واٹ اگر سردیوں میں آپ اس سسٹم میں لاتے ہیں, یہ وہ منصوبے ہیں 99% مسلم لیگ نون نے پروونشل بجٹ سے تیار کیے ہیں یہ منصوبے اپنے دور کے. ہمیں ان 4 سال میں 2 میگا واٹ کا منصوبہ دکھا رہے ہیں لوگ جو انہوں نے ایڈی پی میں رکھا. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 کوئی ایک منصوبہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ 3 میگا واٹ کا منصوبہ ہم نے ایڈی پی میں رکھا, اس کا ٹینڈر ہوا, اس کا کام سٹارٹ ہوا, ہمیں دکھایا تھا. باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, لہٰذا ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ فوکس ہوں,
16 मेगावाट नलतर फेज 3 पे और ये 14 मेगावाट गिलगित के जो प्रोजेक्ट है और बाकी सूबे का मिला के 58 मेगावाट के मंसूबे हैं, जो थोड़ी सी कोशिश मेहनत से आपकी ये लोड शेडिंग सर्दियों की 2 घंटे से बढ़ा के आपको कम से कम 12 घंटे की बिजली दी जा सकती है। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़े से फोकस की जरूरत है। इसी तरीके से आप देख लें, ये आपकी सरकार को पूर्णदास वाटर सप्लाई है नगर कॉलोनी वाली, 55-70 करोड़ रुपए की हमारी बनाई मंसूबा है, कंप्लीट हो चुका है। इसको रन कर लोग दर बदर वास्तव में दुनिया के मुलाजमीन बैठे हैं, उनको वहां ट्रांसफर कर दे, नया बजट दे दे। आप इस मंसूबे को तो चले, सिर्फ गिलगित का मंसूबा, इसलिए इस मंसूबे को जो है वो डस्टबिन में रखा हुआ है, किसी मिनिस्टर को आपने विजिट करते हुए नहीं देखा, किसी मेंबर को वहां विजिट करते हुए नहीं देखा, आधी आबादी रहती है उधर पूरी। लिहाजा प्रोजेक्ट 70 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्लीट हो चुका है। फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि वासा से भी कुछ मुलाजमीन उधर लाके इस प्रोजेक्ट को रन किया जाए, और अगर मजीद ऑपरेशनल कास्ट के लिए उस प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे चाहिए आने वाले बजट में उसको मुख्तस किया जाए। आखिरी बात वो यही है कि जो आपकी सेफ सिटी है गिलगित, इसका फेज 2 में हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कह रहा हूं, जाने गई है उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। क्यों? कि आप कैमरे लगा सकते थे, जिन्हें नहीं लगाया है, अब वहां कातिल नहीं मिल रहा है तो कातिल फिर आप लोग हैं। कौन है उसका कातिल? हम आप लोगों से सुनते थे, पीटीआई के लोगों से सुनते थे कि जिस शख्स का कातिल न मिले उसका कातिल रियासत होती, हुकूमत होती। तो मुझे ये बताएं यादगार का, इसमें खास तौर पर जो डेवलपमेंट बजट है इसके लिए मेरी आखिरी तजवीज के साथ हमने बार बार किया, अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, मैं एक उसमें नॉन सरकार सरकारी आदमी हूँ, बाकी सारे सरकारी लोग हैं। मैं एक सियासी वर्कर के होने के नाते न मेरी तनख्वाह है न मेरी डीएडी है न और कुछ है, क्योंकि मैं इन मंसूबों पर लड़ता रहा हूँ। हमने वहां पर डिमांड की, अब इस पर आप लोगों ने भी ये सवाल पूछना है। हमने मिलके वहां जब मैंने चीजें रखी सीएम साहब ने उसकी तायद की, हमने ये कहा कि भाई आपको 21 से 22 करने की हम हिमायत करते हैं, 24 भी करें हम हिमायत करते हैं, साथ साथ जो गैर जरूरी फरमाइश स्कीमें डाली गई है पीएसडीपी में वो निकाली जाए, इसके थ्रो फॉरवर्ड 100 अरब पे लाया जाए। एडीपी की बात करो, जीपी की जो एडीपी है इसके अंदर जो गैर जरूरी फरमाइशी देश, हमने 4 लाख रुपए रखे थे लोकल गवर्नमेंट के थ्रू प्रोजेक्ट का, इन्होंने उस वक्त जाकर कोटो में ऑर्डरेंस दे लिए थे, इन्होंने 30 लाख रुपए रखे हुए सौ दीदी, वो जो लोकल कमेटी के थ्रू तकसीम होती है, हर मेंबर अपना फंड सारा लोकल गवर्नमेंट के थ्रू दे रहा है। तो अब आपसे गुजारिश यही है कि जीबी एडीपी के अंदर जो आवाम के मफाद के मंसूबे हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, सड़क है, वाटर सप्लाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं, इनको तो रखें, बाकी गैर जरूरी मंसूबे निकाल दें। हमने ये मशरू हिमायत की है। दूसरा इन्होंने कहा जी एनएफसी के हवाले से, हमने बिल्कुल बात की, मैंने समझाया फेडरल गवर्नमेंट को, मैंने गुजारिश की एनएफसी इसलिए चाहिए कि हमें जीबी को आप ग्रांट देते हैं, अब जब ग्रांट पे हम आते हैं तो एक तो लोग ऑन नहीं करते कि फेडरल हमें हमारे पैसे नहीं दे रहा, पब्लिक के लिए उसकी ओनरशिप नहीं आती है, पब्लिक कहती है हमें खैरात मिल रहा है, और हुकूमत समझती है ये खैरात को बांटो तकसीम करो गैर जरूरी खर्चे करो, करने के बाद जून को 3 महीने रहते हैं जी, अफवाहें छोड़ते हैं जी बजट तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है, लोगों को लाते हैं सड़क पे और फेडरल गवर्नमेंट मजबूर होकर आपको जमीनी ग्रांट दे देती है। तो इस सिस्टम को खत्म करने के लिए हमने गुजारिश की है एनएफसी के फार्मूले के तहत उनके जितने इंडिकेटर्स हैं उन इंडिकेटर्स के तहत जीबी को बजट दिया जाए और वन टाइम दिया जाए और ये कहा जाए आपका पैसा आज के बाद आपको जमीनी करार नहीं मिलेगी, ताकि आपकी कुछ सस्टेनेबल आप प्लानिंग कर सकेंगे। अब उसके साथ साथ हमारे जो मौजूदा सीएम साहब है वो बार बार कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ फाइनेंस का मुआहदा करे, जैसे जेके के साथ किया। मेरी गुजारिश होगी सीएम साहब आप अपनी ब्यूरोक्रेसी से सही मालूम लें, अगर आप एनएफसी वाला फार्मूला फेडरल गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं तो ये ना हो कि कल खिला कहें ये हमसे गलती हो गई, नहीं जी वापस ले लो। आज आप हुकूमत में हैं, एनएफसी के सारे इंडिकेटर चेक करें, क्या एनएफसी के थ्रू जाने से हमें पैसा ज्यादा मिलता है? हम आज के हामी इसलिए हैं, आज से 5 साल पहले जो टोटल बजट की कलेक्शन होती थी पाकिस्तान में वो 3,500 अरब रुपए जमा होते थे, वो 3,500 अरब रुपए में से 51% सूबों को जाता था, 39% मरकज में रहता था, उसमें से भी आपने जनाब जीबी का अगर फंड निकालते थे वो 60-70 अरब बनता जबकि हमें 100 अरब मिलते। अब इस वक्त आपका पीएसडीपी एडीपी गंदम की सब्सिडी ये सारे आप शामिल करते हैं
तो शायद आपको 150 अरब रुपए मिल रहे हैं। और आप सिक्योरिटी इदारों के अखराज भी लगा दें तो अब ये देखना है कि क्या हमारी आबादी, हमारी पॉपुलेशन, हमारी रकबा, हमारा पसमानदगी इनको अच्छी तरह जायजा लेते हैं। फिर कहते हैं जी एजेके तरफ पे हमारे साथ फेडरल फाइनेंस डिपार्टमेंट मुहिदा करे। हम तो अपने दौर में कोशिश करके नाकाम हुए, हमारे अपने मेंबरान ने नहीं माना। आप जाएंगे जब फेडरल फाइनेंस में मुहिदा करने के लिए तो एजेके के साथ मुहिदा ये है कि हम आजाद कश्मीर में वो सारे टैक्सेस डायरेक्ट नाफिज करेंगे और बदले में आपका जो बजट डेफिसिट है वो हम पूरा करेंगे। क्या आपने इसकी तैयारी की है? क्या फेडरल फाइनेंस में मुहिदा करने के लिए जाएंगे तो बिहार के सारे टैक्सेस गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो इनडायरेक्ट ऑलरेडी हम दे रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस आएंगे आपके यहाँ पे, क्या उस वक्त आपने उसकी तैयारी की है? रटे रटाए जुमलों के मुतालबे में मना उठाया जाए। और उसके साथ साथ हमने उसी मीटिंग में जो कि हमारे राणा सनावला साहब आजकल जो है वो इंटर प्रोविंशियल हारमोनी के मिनिस्टर हैं, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो सिकरदू के अंदर उनकी मिनिस्ट्री की तरफ एक प्रोजेक्ट था, हमारा प्रपोज था, उन्होंने मंजूरी भी दी है। वो 1.5 अरब रुपए से एक सिकरदू के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट कम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का है, वो इंशाल्लाह ताला मंजूरी हो जाएगी। और एक दफा फिर मेरी गुजारिश होगी, हमारी कतान किसी किस्म की कोई अनाज ना कोई शौक है हुकूमती कुर्सियों में जाके बैठने का। हमें एकदम ताने मिलते हैं जी अभी ये हुकूमत में नहीं है इसलिए कि भाषण दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2003 से मैं पार्टी ज्वाइन की है नून लीग, 1994 से हम हमारा खानदान इलेक्शन लड़ रहा है, 8 इलेक्शन लड़े हैं, 1 में हमने हुकूमत दी गई फेडरल में, बाकी 7 में हमने अपोजिशन में वक्त गुजारा है। हमें अपोजिशन का वक्त ज्यादा अच्छा लगता है, हुकूमत में जो है वो बंदा जो है वो बोलते हुए भी डरता है और काम करते हुए 100 मसाइल होते हैं। हमें कभी भी सीटों की परवाह उनको रहती है जो इधर से छलांग लगा के इधर आते हैं, इधर से छलांग लगा के इधर चले जाते हैं। हम जीबी के अवाम के मफाद में ये आपके सामने तजावीज रख रहे हैं। अगर बजट में इन तजावीज को इन्होंने शामिल की या इससे भी अच्छी तजावीज अवाम के मफाद में लेके आए, हम भरपूर तौर पर पब्लिकली इसको सपोर्ट करेंगे, नहीं करने की सूरत में इसको एक्सपोज करेंगे, यह हमारा हक बनता है। और इसकी गैर जरूरी खर्चों के ऊपर बातचीत होती रहेगी। उसके साथ साथ आप देख लें कि जो मुस्तकिली मुलाजमीन के हवाले से गुजारिश थी कि बार बार आपने इस पर फैसले किए, अपने फैसलों पर अमल करवाए। जो असेंबली ने एक्ट पास किया गिलगित बल्तिस्तान के असेंबली ने, उस असेंबली के एक्ट के होते हुए आज उस एक्ट के एम्बिट में जितने भी लोग आते हैं उसको फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए। और जो मिनिमम मैक्सिमम फेडरल गवर्नमेंट ने जो तनख्वाह मुकर्रर कर दी है, पहले 25 थी फिर हमने बढ़ाई, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने इसको 32 किया, अब 37 किया, ये यकीनी बनाया जाए कि मिनिमम 37,000 रुपया कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट मुलाजमीन को कम से कम ये 37,000 रुपए उनको देने होंगे। ये बजट के अंदर जो है वो पैसे छुपा के जी हमें फेडरल से पैसे नहीं मिले, फेडरल ने आपको दबा के पैसे दिए, आपकी सोच भी नहीं थी इतने पैसे दिए, आपकी तवक्को भी नहीं थी इतने पैसे आपको दिए हैं, ताकि यहाँ कोई अनरेस्ट पैदा ना हो। जो भी इशू हो जीबी हुकूमत को इतने पैसे दे दो कि मकामी सतह पे लोगों के पानी के बिजली के गंदम के लॉ एंड ऑर्डर के हर इशू को एड्रेस कर सके। अगर आप अच्छा काम करेंगे अमल करेंगे हम इंशाल्लाह ताला साथ देंगे, न होने की सूरत में हम अपनी आवाज उठाएंगे।